नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साल 2018 में हुई सभी खेल प्रतियोगिताएं एवं उनके विजेताओं को। ठीक है, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही रहे हो, लिखा हुआ है करंट अफेयर्स 2018। तो ये एक मास्टर वीडियो होने वाला है 2018 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, यूथ ओलंपिक गेम्स जो समर यूथ ओलंपिक गेम हुए थे अर्जेंटीना में, उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये जो यूथ ओलंपिक गेम पहली बार कब व किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इसका आंसर है जॉन रोसेन जोफ 1998 में। 14 से 18 तक की एज के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यूथ ओलंपिक गेम में किस एज तक के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 14 से 18 वो एज है। अगला है हमारा 2018 समर यूथ ओलंपिक कौन से नंबर के थे, तो ये थे तीसरे नंबर के। ये तीसरे नंबर के समर यूथ ओलंपिक गेम्स थे जो अर्जेंटीना में हुए हैं। अगला है साल 2018 समर यूथ ओलंपिक गेम का आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य था फील द फ्यूचर, फील द फ्यूचर। और ये कहाँ पर हुए, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, 6 से 18 अक्टूबर तक। डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 6 से 18 अक्टूबर तक ये हुए थे। अगला है 2022 के कहाँ पे होंगे, 2018 में तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुए हैं, अब 2022 के कहाँ होंगे, तो ये होंगे डकार, सेनेगल की जो कैपिटल है डकार में। फिर अब पूछा है कि 2014 में कहाँ पर हुए थे, तो 2014 में हुए थे सिंगापुर में। कहाँ पे हुए थे, सिंगापुर में। अगला है 2018 के समर यूथ ओलंपिक गेम्स का, ये SYOG जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म समर यूथ ओलंपिक गेम्स है, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया था प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, जिनका नाम है मॉरिसियो माक्री। अब आता है कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो 206, टोटल 206 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मस्कट था इसका पांडी, मस्कट क्या था इसका पांडी। और जो पदक तालिका में टॉप पे रहा था वो था रसिया, सेकंड नंबर पे चाइना एंड फिर जापान, ओके। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 13 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 13 मेडल इंडिया ने जीते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, तो वो थी मनु भाकर, काफ़ी चर्चित प्लेयर रही हैं ये मनु भाकर, शूटिंग से ये रिलेटेड हैं और ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रही थी। फिर पूछ सकता है कि क्लोजिंग में कौन रहा था, तो क्लोजिंग में रहे थे जेरेमी लाल निरुंगा, ये एक वेट लिफ्टर हैं और मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं। अगला है इंडिया की रैंक कौन सी आई है इसमें, तो इंडिया ने मेडल तो 13 जीते हैं लेकिन इंडिया की रैंक कौन सी है, तो वो है 17वीं, ठीक है, 17वीं रैंक है। इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था जेरेमी लाल निरुंगा ने, किसने जीता था, जेरेमी लाल निरुंगा ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में। अब जूडो में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, तो जूडो में जीता था तवावी देवी ने, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, तवावी देवी जूडो में भारत के लिए पहला मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। और यूथ ओलंपिक गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल, यूथ ओलंपिक गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल थी मनु भाकर, जो कि शूटर हैं, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वेयरर थी। अब जो गोल्ड तो इंडिया ने सिर्फ 3 जीते थे, वो किस किसने जीता है, जेरेमी लाल निरुंगा ने, सौरभ चौधरी ने और मनु भाकर ने। यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है यूथ ओलंपिक गेम। अब हम बात करते हैं 18वें एशियन गेम्स 2018 की, ठीक है, जो कि 18 सितंबर से लेकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा आ सकता है एग्जाम में।
जो कि 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हुए हैं। इनका वेन्यू कहाँ था? तो वेन्यू था जकार्ता पालमबाग, एक जकार्ता शहर और एक पालमबाग शहर, और ये है कहाँ के? इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पालमबाग में 18वें एशियन गेम्स हुए थे। इनका शुभंकर क्या था? तो वो था भिन्न भिन्न काका अतुंग। ठीक है, भिन्न भिन्न काका अतुंग, तीन शुभंकर थे। मोटो क्या था? मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया इसका मोटो था। कुल शामिल देश 45, 11,300 प्लेयर शामिल थे 45 देशों के, और कुल कितने खेल शामिल थे? तो 40 खेल थे। स्पर्धाएं कितनी हुई उनकी? 40 गेम्स की जो स्पर्धाएं हुई, कंपटीशंस हुए, वो हुए थे 465। और सेफ द मिशन, सेफ द मिशन कौन था? हमारे यहाँ का ब्रजभूषण शरण सिंह, मतलब जो हमारे यहाँ के प्लेयर्स के दल को लेकर जो बंदा गया था उसका नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह, सेफ द मिशन जिनको बोला गया। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वेयर कौन था यहाँ पे? नीरज चोपड़ा, और क्लोजिंग में रानी रामपाल। अब थोड़ा सा पिछला रिवाइज कीजिए। समर यूथ ओलंपिक गेम में ओपनिंग में कौन था? मनु भाकर, और क्लोजिंग में कौन था? जेरेमी लाल निरुंगा। यहाँ पर इन गेम्स में नीरज चोपड़ा और रानी रामपाल 18वें एशियन गेम्स में। अब बात आती है बात की भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि भारत के लिए पहला गोल्ड 18वें एशियन गेम्स में किसने जीता। तो यह जीता था बजरंग पुनिया ने, और ये एक रेसलर हैं, यानी कि कुश्ती खेलते हैं। 66 किलोग्राम में इन्होंने जीता था। टोटल मेडल कितने जीते हैं हमें इंडिया ने? टोटल 69 मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं और 30 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 69 हैं, दोबारा से बोल रही हूँ मैं, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज। अब ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये एग्जाम से पूछा भी गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा था 18वें एशियन गेम्स में? तो वो थी जापान की एक स्विमर रिकाको इकी। नाम क्या था? रिकाको इकी, जापान की स्विमर हैं, तैराक हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 18th एशियन गेम्स। ठीक है, मेडल टैली की बात करते हैं तो मेडल टैली में टॉप किया था चाइना ने 29 मेडल्स के साथ, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 8वीं। ठीक है, 8th। अब आती है बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो थे 21वें नंबर के, एशियन कौन से थे? 18वें, कॉमनवेल्थ है 21वें। इनका वेन्यू क्या था? इनका वेन्यू था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इनका शुभंकर क्या था? शुभंकर था बोरोबी, शुभंकर था बोरोबी। मोटो था शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम। कुल खेल कितने हुए थे? 19 खेल हुए थे, और 19 खेलों की स्पर्धाएं कितनी थी? 295, 295। सेफ द मिशन कौन था? विक्रम सिंह सिसोदिया। 18वें एशियन गेम्स में सेफ द मिशन कौन थे? ब्रजभूषण शरण सिंह, और सेफ द मिशन विक्रम सिंह सिसोदिया किस में है? 21वें CWG में। ठीक है, अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो बनता है कि फ्लैग बेयरर ओपनिंग में कौन था, क्लोजिंग में कौन था, भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, भारत ने कुल कितने मेडल जीते। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो फ्लैग बेयरर था ओपनिंग सेरेमनी में वो थी पीवी सिंधु, और क्लोजिंग में थी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। पीवी सिंधु और एमसी मैरी कॉम ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में क्रमशः फ्लैग बेयरर थी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगली है हमारी ये लाइन, भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। तो भारत के लिए जो पहला मेडल जीता है वो जीता है पी गुरु राजा ने। ध्यान दीजिएगा, पहला मेडल लिखा हुआ है, पहला गोल्ड मेडल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, भारत के लिए पहला मेडल जीता पी गुरु राजा ने, और ये सिल्वर मेडल था, और ये जीता था वेट लिफ्टिंग में। किस में? वेट लिफ्टिंग में जीता था। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। तो ये जीता था मीराबाई चानू ने, सैखोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है, और इनको साल 2018 का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला है
विराट कोहली के साथ, ठीक है, विराट कोहली को और मीराबाई चानू को साल 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं मनिका बत्रा, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, टेनिस खेलती हैं और 4 मेडल इन्होंने जीते, ठीक है, मनिका बत्रा। एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनिका बत्रा किस खेल से रिलेटेड हैं, तो टेनिस से रिलेटेड हैं। अब बात आती है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल मेडल बॉर्न बाय इंडिया। इंडिया ने टोटल 66 मेडल जीते हैं, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, ठीक है। मेडल टैली में टॉप स्पॉट पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में ही ये गेम्स हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको टॉप किया है मेडल टैली को। ओके, अब बात आती है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2018 की। ग्रैंड स्लैम आपको पता ही है टोटल 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये प्रतियोगिताएं जो हैं ग्रैंड स्लैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक सवाल तो हर एग्जाम में जरूर ही आता है इनसे रिलेटेड। तो आइए आप इनको देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो जनवरी के लास्ट, मतलब अब स्टार्ट भी हो चुका है इस टाइम, अब मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ तो स्टार्ट भी हो चुका है, तो जनवरी के 2nd और 3rd वीक में ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो 2018 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो जीता था रोजर फेडरर ने, जो कि स्विट्जरलैंड के, और हराया किसको था? मारिन सिलिक, क्रोएशिया के प्लेयर मारिन सिलिक को हराया था रोजर फेडरर ने। महिला एकल किसने जीता था? कैरोलिना बोजनियाकी ने, और सिमोना हालेप को हराया था। हमें सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल को ही ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं, मिक्स डबल्स ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा हो चुका है, कौन कौन है विजेता? रोजर फेडरर और कैरोलिना वोजनियाकी। अब हम देखते हैं फ्रेंच ओपन को। तो फ्रेंच ओपन में मोस्टली हर बार एक ही नाम निकल कर आता है पुरुष एकल में, राफेल नाडाल का। क्ले कोर्ट पे ये खेला जाता है, लाल बजरी के कोर्ट पे, और हर बार सिर्फ एक ही नाम राफेल नडाल का निकल कर आता है विजेता के रूप में। इन्होंने हराया किसको है? डोमिनिक थियम को। और महिला एकल का जीता है सिमोना हालेप ने, जो कि रोमानिया से बिलोंग करती हैं, और स्लोएन स्टीफेंसन अमेरिका की को हराया है। राफेल नडाल और सिमोना हालेप, इन्होंने ये जीता, ठीक है। अगला है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच हराया है केविन एंडरसन को। हारने वाले का नाम ज़्यादातर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ऐसा होता है एग्जाम्स में कि उपविजेता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको विजेता के साथ साथ उपविजेता का नाम भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महिला एकल की। तो महिला एकल में एंजेलिक करवर ने जीता है, और इन्होंने किसको हराया है? सेरेना विलियम्स को इन्होंने हराया है। तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के विनर नोवाक जोकोविच और एंजेलिक करवर। अब बताती है अंतिम ग्रैंड स्लैम की, जो कि है यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन। इसका विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच, और हराया था इन्होंने जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को। महिला एकल में नाओमी ओसाका, जिन्होंने पहली बार जीता है, जापान की प्लेयर हैं, पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है नाओमी ओसाका ने, और हराया किसको है? सेरेना विलियम्स को, ठीक है, सेरेना विलियम्स को। अब हम बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल तो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, सभी देखते हैं मोस्टली, पता भी होगा सबको किसने जीता, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, कौन सा नंबर का आईपीएल था ये? 11वें नंबर का ये आईपीएल था। आयोजन तिथि जो थी वो थी 7 अप्रैल से लेकर 27 मई तक, 7 अप्रैल से 27 मई तक, टोटल 51 दिन ये चला। प्रायोजक कौन था? प्रायोजक था इसका वीवो का ही फ़ोन है जिससे इस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वीवो इसका प्रायोजक था। और
अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट विजेता कौन था इसमें। विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन आप सब लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी। और उपविजेता यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, ठीक है। विजेता टीम को कितनी राशि दी गई, तो 20 करोड़ रुपए। बाकी के बीच का ये जो छूट गया है, ये आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो विजेता टीम को राशि दी गई 20 करोड़ रुपए, उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और इस 11वें संस्करण में जोड़ा गया नया नियम, तो ये कौन सा नियम था, राइट टू मैच। अब इसमें ऑरेंज कैप पर्पल कैप इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। तो ऑरेंज कैप किसको मिला था सर्वाधिक रन के लिए, केन विलियमसन को। पर्पल कैप मिला था एंड्रयू टॉय को। अब जिस टाइम ये आईपीएल हुआ था उस टाइम ये नाम काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, तो अब आप इनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा था, ऋषभ पंत, और स्टाइलिश प्लेयर भी ऋषभ पंत, ठीक है। और ये फेयर प्ले अवार्ड, अब मैं डायरेक्ट इस पर आती हूँ, सबसे नीचे फेयर प्ले अवार्ड मिला था राशिद खान, सॉरी मुंबई इंडियंस को। फेयर प्ले अवार्ड मिला था मुंबई इंडियंस को, बाकी बीच में जो छूट गया उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 23वें शीतकालीन ओलंपिक की। 23वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ कहाँ पे था, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया के शहर प्योंग चांग में। कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 9 से 25 फरवरी 2018 तक। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के सिर्फ 2 प्लेयर यहाँ पे गए थे और वो भी कुछ जीत नहीं पाए थे, और वैसे भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। शुभंकर क्या था इसका, सोहोरांग, ठीक है, एक सफ़ेद बाघ है, जो कि लक्ष्य है, मोटो है इसका पैशन कनेक्टेड। तो ये यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है, और मेरे हिसाब से अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज ऐसी नहीं रही है जो मैंने कंप्लीट ना कराई हो। इस मैच से ही आपको आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर एक रिक्वेस्ट भी है जाने से पहले आप सबसे, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी सभी इन वीडियोज़ के से फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।